हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा समाज पार्ट पांच, मनोरंजन के साधन। किसके द्वारा मनोरंजन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। काम के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक है। थकान होने पर मन बहलाना मनोरंजन कहलाता है। जो साधन मन बहलाव का कार्य करते हैं मनोरंजन के साधन कहलाते हैं। मनोरंजन के अनेक साधन हैं। गांव के लोग लोक नृत्य और लोकगीत लोक नृत्य मेला से मनोरंजन करते हैं। पर्व और त्योहार मनाकर मनोरंजन करते हैं। मेलों में खेल तमाशे झूले तथा हिंडोले मनोरंजन के साधन हैं। उपवन में सैर सपाटे द्वारा हरी घास तथा रंग बिरंगे फूल अपनी लुभावनी छटा से हमारा मन प्रसन्न कर देते हैं। बच्चे चिड़ियाघर में पशु पक्षी को देखकर खूब हंसते और खुश होते हैं। सिनेमा आजकल मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है और प्रमुख साधन है। बड़े हॉल में बैठकर पर्दे पर नृत्य संगीत और अभिनय देखना बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा के द्वारा बहुत सी शिक्षाप्रद बातें भी सीखने को मिलता है। टीवी पर घर बैठे हम नृत्य संगीत नाटक सीरियल तथा फिल्मों का आनंद लेते हैं। टीवी से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार भी होता है। तो बच्चों, किसके द्वारा मनोरंजन किया जाता है आपने देखा। आज प्रश्न पढ़ेंगे और लिखेंगे। प्रश्न नंबर एक का पहला प्रश्न, मनोरंजन के चार साधनों के नाम लिखिए। उत्तर है लोकगीत सिनेमा सर्कस टीवी। प्रश्न नंबर दो का पहला, मनोरंजन क्या है। उत्तर है थकान होने पर मन बहलाना मनोरंजन कहलाता है। प्रश्न नंबर दो, मनोरंजन के साधन किन्हें कहते हैं। उत्तर है जो साधन मन बहलाव का कार्य करते हैं उसे मनोरंजन के साधन कहते हैं। प्रश्न नंबर तीन, सिनेमा मनोरंजन का कैसा साधन है। उत्तर है सिनेमा मनोरंजन का सबसे सस्ता और प्रमुख साधन है। प्रश्न नंबर चार, टीवी का क्या महत्व है। उत्तर है टीवी पर घर बैठे हम नृत्य संगीत नाटक सीरियल मैचों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण दृश्य ज्ञानवर्धक घटनाक्रम फिल्मों का आनंद लेते हैं। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। बच्चों, यहाँ हम तीर के द्वारा जोड़े बना दिए हैं। आप देखिए, पहला गांव में मनोरंजन लोक नृत्य, दूसरा मेले खेल तमाशे, तीसरा सर्कस पशुओं के करतब, चौथा चिड़ियाघर पशु पक्षी, पांचवा सिनेमा अभिनय टीवी मैचों का प्रदर्शन। तो ये तो तीर के द्वारा आप लिखे हैं, देखे हैं।
अभी आप इसको आमने सामने अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उत्तर है गांवों में मनोरंजन लोक नृत्य, आमने सामने लिखेंगे। दूसरा मेले खेल तमाशे। तीसरा सर्कस पशुओं के करतब। चौथा चिड़ियाघर पशु पक्षी। पांचवा सिनेमा अभिनय। छठवा टीवी मैचों का प्रदर्शन। ये जोड़ा है आप आमने सामने ही लिखेंगे। और प्यारे बच्चों इस अभ्यास प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।